अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केबीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का कौरमा। इसके लिए ले लेंगे दो बड़े चम्मच फल्ली मसाले के लिए। तो अच्छे से स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे खोपरा, एक खोपरा। खोपरा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। 5 से 6 बादाम डालेंगे, बादाम को भी निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, 3 से 4 डाली प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज सा फ्राई कर लेने के बाद इसको रख देंगे ठंडे के लिए। फ्राई किए हुए इन चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। प्याज भी डाल देंगे। तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे आलू, थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काट लेना, फ्राई कर लेंगे। चम्मच से हिला हिला कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल कर साइड में रख देंगे। मसाले थोड़ा पिस चुके हैं, इसमें डालेंगे 1 कप दही, खट्टा वाला दही, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सी कर लेना। आलू फ्राई करे थे ना, उसी तेल में डालेंगे थोड़ा सा शाहजीरा, 1 इलायची, 1 दालचीनी, 2 लौंग। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। अच्छे से कच्ची स्मेल जाने तक भून लेंगे। इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला। मसाले को अच्छे से भून लेना तेल में, पानी नहीं डालना। मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर धोकर इसमें डाल देंगे। तेल ऊपर आने तक अच्छे से भून लेना। डाल देंगे अभी चिकन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, गोश्त गलने तक। चिकन थोड़ा गल चुका है, अभी इसमें डाल देंगे आलू। स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। सालन रेडी हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया।